यही लोकतंत्र फ्रांस में भी जिंदा है। फ्रांस की सरकार ने एक तमाचा जोरदार जड़ दिया भारत के लोकतंत्र पर, भारत को एक राह दिखा दी है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सिखाने की कोशिश की है। लगेगा कि ऐसे प्रवक्ता जो मोदी सरकार की बेइज्जती करा रहे हों, मोदी जी की नाक कटा रहे हों, मोदी जी का मुंह काला कर रहे हों, ऐसे प्रवक्ताओं को तो भारतीय जनता पार्टी में रहने का हक ही नहीं है। अभी तक सरकार का कोई आधिकारिक बयान या सरकार का कोई मंत्री गोदी मीडिया के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि किसी को ला करके मिनिस्टर को डिबेट में बैठा सके और उसे सवाल पूछ सके। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों पेगासस के खुलासे पर जहां पर सरकार के बेशर्म भरे बयान उनके प्रवक्ताओं के आ रहे हैं, जो प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का नहीं, उसमें झूठ बोलने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना ने विदेशों ने एक तरह से मोदी सरकार के मुंह पर चांटा मारा है और वो चांटा सरकार के गाल को झंझना रहा है अभी तक। वो एक अलग बात हो सकती है कि इनके जो पत्र, इनके जो प्रवक्ता हैं या इनके जो भी मंत्री हैं, दुनिया भर के उल जलूल बयान संसद से लेकर के टीवी तक दे रहे हैं, लेकिन उन बयानों का क्या होगा जब इनके बयान इनके गले की फांसी बनने को तैयार हो जाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में बताना इसलिए जरूरी होगा दोस्तों, मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाक्रमों को रखूंगा। पहला घटनाक्रम राफेल खरीदा भारत ने, जांच हुई फ्रांस में। कोवैक्सीन खरीदी ब्राजील ने, जिसने खरीदी उसके यहां जांच हुई। हमने राफेल खरीदा, हमारे यहां जांच नहीं हुई। जिसने बेका उसने जांच कराई, हमने कोवैक्सीन बेकी, हमने जांच नहीं कराई। अब उसके बाद तीसरा मामला आता है पेगासस सॉफ्टवेयर का, खरीदा गया नहीं खरीदा गया, इसके बारे में सरकार सवाल नहीं, मतलब सवालों को जवाब नहीं देती, ना मीडिया सरकार से सवाल पूछता है, मीडिया एक डिबेट में लोगों को ला करके बिठा देता है खिड़कियों में लेकर के, वो जितने भी प्रवक्ता होते हैं अपनी सफाई में या अपनी पार्टी की सफाई में बोलते रहते हैं, लेकिन जनता को सच्चाई नहीं मिलती। पेगासस पर जहां पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़े बेशर्म भरे बयान चले आते हैं, वो बेशर्म भरे बयान जिनको सुन करके आप भी हकफरव रह जाएंगे। आपको लगेगा कि ऐसे प्रवक्ता जो मोदी सरकार की बेइज्जती करा रहे हों, मोदी जी की नाक कटा रहे हों, मोदी जी का मुंह काला कर रहे हों, ऐसे प्रवक्ताओं को तो भारतीय जनता पार्टी में रहने का हक ही नहीं है, उनको ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए, ऐसे बयान ही नहीं देने चाहिए। जी हाँ, नया मामला है संबित पात्रा का। संबित पात्रा से जुड़ी हुई एक खबर आती है जिसमें संबित पात्रा एक बहस में दावा करते हैं, जब पत्रकारों की जासूसी होती है, 300 पत्रकारों की जासूसी होती है, जज भी शामिल होते हैं, मंत्री भी शामिल होते हैं, सब कोई शामिल होते हैं, पूरे मीडिया में ये खबरें चल रही होती हैं, कुछ मीडिया दिखाता है, कुछ मीडिया संस्थान दिखाते हैं कि साहब पत्रकारों की जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर लाया गया और इसके थ्रू जासूसी की गई। जासूसी तो अभी खैर जासूसी का ही मामला है, मामले तो बहुत निकल सकते हैं, जासूसी की गई। ये सारा जब रायता फैल जाता है, खुद आरएसएस के ऊपर जो मंत्री हैं, आरएसएस के नेता हैं, उनकी भी जासूसी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी जासूसी हुई, उसके ऊपर जाकर के कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए उस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ जिसमें उन विधायकों को तोड़ा गया जिन विधायकों के व्यक्तिगत जीवन में झांक करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया, यहां तक दावा किया गया साहब। लेकिन साहब ये बात छोड़िए, बात कर रहा था उस बयान की, पहले उस बयान की बात करूंगा, उसके बाद आगे की खबर की बात करूंगा, जिस खबर को सुनने के बाद चौंक जाएंगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी, बड़े बड़े मंत्रियों और सरकार की जमीन हिल जाएगी। बात यह है कि संबित पात्रा कहते हैं पत्रकारों के लिए कि इनकी तो कोई भी एरा गहरा न तो खेरा भी जासूसी करा देगा। संबित पात्रा ने अंजना ओम कश्यप की बहस में कहा, अंजना ओम कश्यप जो थी बहस का तरीका पूछने लगी, मामला चूंकि गरबा गया है, अंजना ने बीजेपी नेता से पूछा, फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि पेगासस से अफेक्टेड 10 भारतीय भी हैं, ये क्या हो रहा है आप ही समझाइए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, बहुत सिंपल टर्म्स में बताता हूं, कहानी है कि डेटा रिलीज हुआ जिसमें कुछ नाम है, आप हिंदुस्तान के 300 नाम बता रही हैं, बताया जा रहा है कि इस डेटा में जो नाम आया इन नामों को हैक किया गया और पेगासस नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, इसे फोन की क्लोनिंग कर दी गई और इनके डेटा को सरकार ने ले लिया था। देखिए और बायर ने भी ये स्टोरी की, ये तो खैर आप कहानी सुन चुके होंगे, संबित पात्रा ने जो जवाब दिया उस जवाब को मुझे बताना था आपको। ये तो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान या इसको आप सरकार का बयान मानेंगे, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार का कोई आधिकारिक बयान या सरकार का कोई मंत्री गोदी मीडिया के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि किसी को ला करके मिनिस्टर को डिबेट में बैठा सके और उसे सवाल पूछ सके। प्रवक्ताओं को ले आती है जिनकी खुद जो है कोई भी
रेपुटेशन नहीं है। समित पात्रा जैसे जिनको मस्खरा बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो घंटे की तरह बजा करके इनको चले जाते हैं। लेकिन यहां एक तरफ समित पात्रा ये दावा करते हैं कि मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पत्रकारों को उठाई गिरा बोलते हैं, नहरा गहरा नद्दू खहरा बोलते हैं, सरकार के मंत्री बोलते हैं कि साहब ये तो जो है विदेशी साजिश हुई है, विदेशों ने साजिश कर दी है। अभी राफेल की और कोवैक्सीन घोटाले की बात नहीं करेंगे। बीजेपी के मिनिस्टर बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, संसद में बोलते हैं कि साहब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जो है विदेश जल रहा है, विदेश में जो है भारत से जलन हो रही है। लेकिन साहब चलिए मान लिया जलन हो रही है और आपने अपने लोगों की आपने जासूसी कराई जिसका आरोप लग रहा है, लेकिन साहब जैसे आपका लोकतंत्र जिंदा है वैसे ही लोकतंत्र फ्रांस में भी जिंदा है। फ्रांस की सरकार ने एक तमाचा जोरदार जड़ दिया भारत के लोकतंत्र पर, भारत को एक राह दिखा दी है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सिखाने की कोशिश की है कि होशियार खबरदार, क्योंकि फ्रांस ही वही था जिसने राफेल जब बिका तो उसकी जांच बिठाई, और फ्रांस ही वही है जिसने अब एक जांच बिठा दी है पेगासस के मामले में। क्या पेगासस के मामले में फ्रांस को भी अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती थी? समित पात्रा जवाब देंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्री जवाब देंगे या संसद जवाब देगी इस मामले में? जवाब कौन देगा? शायद जवाब कोई नहीं देगा। फ्रांस का ये क्या मामला है और ये मामला कब सामने आया, ये खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों। फिर सवाल होंगे सरकार से। पेगासस केस में फ्रांस सरकार ने मीडिया कर्मियों की जासूसी को लेकर के जांच शुरू कर दी है। इस हेडिंग के साथ यह खबर छपी है एनडीटीवी पर। फ्रांसीसी जांचकर्ता 10 विभिन्न आरोपों को लेकर इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। इसमें यह भी पता लगाया जाएगा कि पेगासस मालवेयर के जरिए प्राइवेसी में सेंध लगाई गई या नहीं लगाई गई। मोरक्को की खुफिया एजेंसी पर फ्रांसीसी पत्रकारों के पेगासस के जरिए जासूसी करने का आरोप है। एक मोरक्को देश अलग, उसने पेगासस के थ्रू पत्रकारों पर जासूसी की। देखिए विदेशों, देश टू देश, कंट्री टू कंट्री जासूसी हो रही है एक देश की, और हमारा देश जो है अपने ही नागरिकों की जासूसी करा रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा नेताओं, मंत्रियों, मीडिया कर्मियों के फोन हैकिंग का मामला न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी तूल पकड़ने लगा है। फ्रांस सरकार ने तो कथित तौर पर मीडिया कर्मियों की जासूसी के मामले में जांच शुरू करने का फैसला भी किया है। फ्रांसीसी जांचकर्ता 10 विभिन्न आरोपों को लेकर इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। इससे यह भी पता लग जाएगा कि क्या पेगासस मालवेयर के जरिए प्राइवेसी में सेंध लगाई गई। आरोप है कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने फ्रांसीसी पत्रकारों की पेगासस के जरिए जासूसी की थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार को अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने मोरक्को खुफिया एजेंसी के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें कथित तौर पर इजरायली सुरक्षा समूह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पायवेयर के जरिए इस निगरानी को अंजाम दिया गया। जांचकर्ता पता लगाएंगे कि क्या लोगों की प्राइवेसी धोखाधड़ी के जरिए निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच बनाई गई, क्या इसके पीछे कोई आपराधिक गठजोड़ है। खुफिया वेबसाइट मीडिया पार्ट ने इसको लेकर के सोमवार को एक केस दर्ज कराया था। ये वही मीडिया पार्ट है जिसने राफेल के ऊपर खुलासा किया था। यहां आप समझ लीजिए ये वही मीडिया पार्ट है जिसने राफेल के ऊपर खुलासा किया था। सोमवार को केस दर्ज भी कराया उसने पेगासस के मामले में। खोजी अखबार ले कैनार्ड ने भी इस तरह का मुकदमा दायर करने वाला है। हालांकि मोरक्को सरकार ने ऐसे किसी भी दावे को इनकार कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट, ले मोंडे, गार्जियन समेत तमाम मीडिया संगठनों ने फोन नंबरों की एक लीक सूची के आधार पर यह खुलासा किया था जिसमें भारत से लेकर के कई देशों के लोग इसमें सरोवर हो गए। लेकिन फ्रांस ने तो भैया जांच के आदेश दे दिए। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्द क्यों हो रहा है, मोदी सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जबकि रविशंकर खुद ये स्वीकार कर चुके हैं 2019 में कि भारत से अपनी जानकारी दी थी कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी हो रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, फ्रांस अगर जांच करा सकता है तो भारत क्यों नहीं करा सकता, और क्या गारंटी है कि जो इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर है उसकी जानकारी केवल भारत सरकार तक ही सीमित रही हो, इजराइल की उस सॉफ्टवेयर कंपनी तक ना पहुंची हो, या इजराइल से वो जानकारियां दुश्मन देशों ने ना खरीदी हो। यह क्वेश्चन उठता है और सवाल उठाता है भारत सरकार की नीतियों पर, भारत सरकार के उस दावे पर जिसमें भारत सरकार दावा करती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो फ्रांस को ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों नजर नहीं आई, उन देशों को ये साजिश क्यों नजर नहीं आई, हमें पेगासस के जरिए जासूसी हुई, उन देशों को इसमें क्यों गलत नजर आ रहा है, वो क्यों तैयार हो रहे हैं उसके खिलाफ जांच कराने के लिए फ्रांस ने अभी पहल की है। अभी तो देखते जाइए आगे आगे रायता फैलना बाकी है, और मोदी सरकार का तो रायता पूरी तरह फैल ही चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। कर्नाटक में जो फेरबदल हुआ,
विधायकों की खरीद फरोख्त हुई उसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। लेकिन यह वीडियो केवल यह बताने के लिए था दोस्तों कि पेगासस के मामले में फ्रांस सरकार ने तो जांच के आदेश दे दिए और दूसरी तरफ भारत सरकार ना तो राफेल के ऊपर जांच के आदेश दे पाई, ना कोवैक्सीन घोटाले के ऊपर जो घोटाला हुआ ब्राजील में उसके ऊपर जांच के आदेश दे पाई। लगता है कि भारत में भ्रष्टाचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है, झूठ बोलने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है, पैसा लेके देश का और जनता का भागने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। तो भैया कीजिए भ्रष्टाचार, लूटिए देश को और भाग जाइए, कीजिए, क्योंकि सरकार भी तो ऐसी है जिसका कोई नैतिक चरित्र नहीं, जिसकी कोई नैतिक अवमानना नहीं, और नैतिक अवमानना वो भी उन चीजों के लिए जो जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जमाने कहाँ थे और कहाँ ले आए इस देश की सत्ता को, सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी पर्दों के पीछे मुंह छुपाए घूमते हैं। आजकल तो सेल्फी भी लेना बंद कर दिया है, लेकिन कब सेल्फी लेंगे, कब आएंगे देश की जनता के सवालों के सामने, कब करेंगे सामना देश की जनता का, कब करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? आइए जवाब दीजिए, चौराहे पर आइए, जनता मांगती है आपसे जवाब। जब फ्रांस कर सकता है जांच तो आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल बस इतना सा है दोस्तों। अगर ये सवाल अच्छा लगता है तो कमेंट करना और शेयर करना, इस वीडियो को मत भूलना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।